हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे स्माइल 3.0 की जो आपकी वर्कशीट हैं। तो दोस्तों आपको आज 30 जुलाई का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि 13 जुलाई 2021 का, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि आपका कक्षा 12वीं, ठीक है, और जो हमारा विषय है भौतिक शास्त्र है। अध्याय के नाम की बात करें तो गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ये हमारा क्या अध्याय या टॉपिक है, संतत आवेश वितरण, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था आवेश, यहाँ पर देख सकते हैं आवेश घनत्व तो कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार का दोस्तों हमें नाम बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो आवेश घनत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है यहाँ पर लिखा है, पहला होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, सेकंड होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है दोस्तों आपका आयतन आवेश घनत्व। तो ये 3 प्रकार का होता है आपका आवेश घनत्व, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है 3 प्रकार का होता है, उसके बाद तीनों का आपको इस तरीके से नाम क्रम बाई क्रम लिख देने। फिर सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों हमारे यहाँ पर देख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करने वाला इसका SI मात्रक लिखिए। तो दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, किस प्रकार दोस्तों एक रेखा के अनुदिश हो, तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को हम कहें रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा लिखिए। तो दोस्तों पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा होती है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ L-2AT, ठीक है। ये बीमा होती है हमारी किसकी, पृष्ठ आवेश घनत्व की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब PDF बनाते हैं तो क्या है ऊपर घात नहीं लग पाता, इसलिए L-2 इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा है आयतन आवेश घनत्व सदिश है या अदिश समझाइए। तो दोस्तों आयतन आवेश घनत्व एक अदिश राशि है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, सॉरी 4 का। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों संतत आवेश वितरण को समझाइए। दोस्तों संतत आवेश वितरण को हमें समझाना चाहिए दोस्तों, ये लास्ट जो क्वेश्चन बचा है इसका भी हम आंसर देख लेते हैं, जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 5 का आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं संतत आवेश वितरण क्या होता है, तो इसके आंसर यहाँ पर लिखा गया है, जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं तो इन आवेशों को संतत रूप से वितरित माना जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर क्यू आवेश उपस्थित है तो इसे हम बहुत सारे सूक्ष्म आवेश QP में बांट लेते हैं, तो ये हो गया दोस्तों संतत आवेश वितरण, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, गूगल पर जाइए दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना है agla.com। चलिए मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर देखिए agla.com, ठीक है। इस तरीके से गूगल पर आकर आपको सर्च करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा ही समय में इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखा मिलेगा स्माइल 3 होमवर्क लिंक्स, ठीक है। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे तो इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिल जाएंगी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जाकर जरूर चेक करिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।